Knowledge is power. We give power to your child. We are Paradise International School, Assamgarh. We provide 360 degree smart classes, digital library, indoor and outdoor games for physical and intellectual growth of students. A special training in the field of athletics. Admission open for playgroup to class 8th. Paradise International School, Kendri Vidyalay Road, Hirapatti, Assamgarh. आयुक्त आजमगढ़ मंडल की अध्यक्षता में शनिवार को राजस्व विभाग के द्वारा सदर तहसील में कैंप लगाकर गरीबों को निःशुल्क कंबलों का वितरण किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे मंडलायुक्त जगतराज, विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी, DIG आजमगढ़ परिक्षेत्र विजय भूषण ने गरीबों, बेघरों, असहायों, मजबूरों के बीच 500 कंबलों का वितरण किया। इस अवसर पर मंडलायुक्त जगतराज ने बताया कि 10 जनवरी तक सभी जरूरतमंदों को कंबलों का वितरण सुनिश्चित कर लिया जाएगा। कंबल के साथ ही साथ ठंड से उन्हें बचाने के लिए सार्वजनिक व प्रमुख स्थानों पर अलाव भी जलवाए जा रहे हैं। इसके पहले 9000 लोगों को बांटा जा चुका है, 6000 कंबल हमारे पास और आ गए हैं, तो उनको भी हम लोग जल्दी ही बांटेंगे। और ये जो भी बांटा जा रहा है ये आपदा मद के अंतर्गत बांटा जा रहा है, राज्य सरकार द्वारा पैसा दिया गया है। इसी तरह मंडल के अन्य जिलों को भी दिया गया है, वहाँ भी निरंतर जो है कंबल बांटे जा रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि 10 जनवरी तक जो है सभी लोगों को कंबल बांट दिए जाएँ। इसके अलावा अलाव की व्यवस्था की जा रही है, सार्वजनिक स्थानों पर, रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पर अलाव किया जा रहा है। और ये देखा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है सड़क पर रात को न सोए, जो भी व्यक्ति सड़क पर रात को सो रहा है उसको उचित स्थान पर, जो आश्रय स्थल है वहाँ भेजने की व्यवस्था की जा रही है। इस तरह से शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जौनपुर जिले में शनिवार की तड़के सुबह हुए दर्दनाक भीषण सड़क हादसे ने जहां युवा दंपत्ति को ले लिया, तो वहीं हादसे से जनपद में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी। जी हां, दुर्घटना में मृत युवा दंपत्ति जनपद के अराजीबाग क्षेत्र के निवासी थे। कलेक्ट्रेट के नाजिर 38 वर्षीय संदीप श्रीवास्तव, उनकी पत्नी मीनाक्षी श्रीवास्तव व 12 वर्षीय बिटिया खुशी घर वापस लौट रही थी, लेकिन जौनपुर रायबरेली हाईवे पर बक्सा थाना क्षेत्र के फतेहगंज क्षेत्र के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर इलाहाबाद को जा रही दूसरी कार से आमने सामने भिड़ गई। भिड़ंत इतनी तगड़ी थी कि दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए। आजमगढ़ निवासी दंपत्ति की जहां दुर्घटना में ही मौके पर मौत हो गई, तो वहीं उनकी 12 वर्षीय बेटी खुशी गंभीर रूप से घायल हुई है। दुर्घटना के चश्मदीद सतीश यादव ने बताया कि घटना किस प्रकार हुई। सुबह 6 बजे अपनी दुकान खोलने के लिए आ रहे, फतेहगंज हमारी दुकान है, हमारे उधर से रिट जो कार थी आ रही थी और वो थोड़ा कार लहराते हुए आ रही थी। उसके बाद वो पेट्रोल टंकी ठीक सामने पहुंची, कार सीधा उधर से हटके आ रही थी, सीधा अपने दाहिने तरफ घूम गए, उतना जबरदस्त टक्कर मारी कि उसमें रिट जो कार थी उसमें दोनों पति पत्नी थे, आगे बैठे थे, दोनों मौके पर एक्सपायर कर गए और एक बच्ची पीछे थी वो घायल हो गए। और उसमें हटके हम 5-6 लोग सवार थे, सारे लोग घायल हो गए। अच्छा, घायलों को कहाँ भेजा गया? जिला अस्पताल में, मौके पुलिस आई, एम्बुलेंस से, हाँ एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजी। दुर्घटना के बाद यह खूबसूरत जोड़ा अब नहीं रहा। नाजिर संजीव श्रीवास्तव की मौत की खबर मिलते ही प्रशासनिक अमले में भी शोक की लहर दौड़ गई। मंडलायुक्त कार्यालय के साथ जिलाधिकारी कार्यालय में शोक सभा का आयोजन कर मृतक दंपत्ति की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने कलेक्ट्रेट में शोक सभा का आयोजन किया, घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए अपनी शोक संवेदना जाहिर की।
इस दौरान कलेक्ट्रेट परिवार के सभी कर्मचारियों ने अपना एक दिन का वेतन संदीप की पुत्री की शिक्षा दीक्षा के लिए दिए जाने का निर्णय लिया। हाँ, ये बड़ा दुखद था। आज के दिन की शुरुआत बड़ी दुखदाई रही। हमारे बड़े होनहार, बड़े कर्मठ और सक्रिय कर्मचारी संदीप श्रीवास्तव जी का आज प्रातः 5 बजे जौनपुर जनपद के बक्सा थाने के पास एक रोड दुर्घटना में उनकी और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जिससे हम लोग 2 साल की है। उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए एकमुश्त धनराशि हम लोग जमा कर रहे हैं। एक दिन का वेतन सभी कर्मचारी कलेक्ट्रेट के दे रहे हैं। वाराणसी गोरखपुर राजमार्ग पर आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के पुनापार बड़ागांव के पेट्रोल पंप के पास रोडवेज की बस और खड़े ट्रक की टक्कर में चालक परिचालक समेत 10 लोग घायल हो गए, जिसमें 6 की हालत गंभीर होने पर पुलिस ने उन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना कोहरे के चलते बस चालक के ट्रक को न देख पाने के कारण मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रयागराज की सिविल लाइंस डिपो की बस गोरखपुर से आजमगढ़ की तरफ शनिवार सुबह आ रही थी, तभी खड़े ट्रक में जा घुसी। ट्रक सोनभद्र से गोरखपुर थर्मल पावर की राख लेकर जा रही थी। घायलों में चालक विजय कुमार सिंह निवासी भदोही, कंडक्टर निहाल राय निवासी नैनी प्रयागराज, यात्री 30 वर्षीय मनोज कुमार निवासी चौको खुद्र थाना जियनपुर जिला आजमगढ़, 27 वर्षीय मुकेश सोनकर, 30 वर्षीय हनुमान सोनकर, 52 वर्षीय मुरली सोनकर निवासी लाटघाट, 30 वर्षीय धर्मेंद्र निवासी मध्यशिया मिश्रपुर लाटघाट, 60 वर्षीय कौशल्या राय निवासी जमसर थाना जियनपुर, 45 वर्षीय लौंगी देवी, 50 वर्षीय सुनील श्रीवास्तव, 65 वर्षीय धर्मा सोनकर व 45 वर्षीय जगदम्बा शामिल हैं। जिला अस्पताल में भर्ती 6 घायलों में से 4 को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया, जबकि 2 का इलाज चल रहा है। घटना घटी है, जैसे वो धनचूला से बस पर आ रही थी जियनपुर, और वहाँ से 1.5 किलोमीटर आने के बाद एक जो है लड़िया गांव है, वहीं पेट्रोल पंप है, और ट्रक इधर से जो है सीमेंट लाद करके जा रहा था और बस में जो है वो मार दिया। बस में कितने लोग सवार रहे थे? उसमें 12-14 लोग थे, सभी लोग घायल हैं। बहुत जोरदार है। अरे ड्राइवर भी घायल है? ड्राइवर भी बस का घायल है। अब ये तो हम नहीं बताएंगे, ये तो हमारे पेशेंट थे, इसलिए जो है कि अजमतगढ़ ले गए थे लोग, वहाँ से जो है रिफर कर दिए, तो यहाँ लेकर आए लोग। वहीं डीआईजी विजय भूषण ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि ट्रकों के आए दिन सड़क किनारे खड़े होने के चलते हादसे हो रहे हैं। जहां घटना स्थल है वहां अंधा मोड़ होने के कारण 1 माह में 3रा बड़ा हादसा है। स्थानीय पुलिस को इस संबंध में सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। हाँ, जौनपुर में एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई है और कार्रवाई की जा रही है। उसमें 6 लोग घायल भी हैं, जिनके उपचार हेतु जो है निर्देश दे दिए गए हैं और बात भी कर ली गई है। हर संभव प्रयास किया जा रहा है, और वो ऐसा पर्टिकुलर चंक है जौनपुर में जहाँ पर कि ये विगत 1 माह में ये 3रा एक्सीडेंट है। वहाँ पर हमने एक्सीडेंट होने का जो है बोर्ड भी लगाया है और लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, पर कुछ ऐसा है वहाँ पर इस तरह से अंधा मोड़ टाइप है वहाँ पर दुर्घटना हुई है, वो दुखद है, और जो भी संभावित कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। हाँ, ये बात अवश्य है, इसलिए विगत समय में भी और अभी भी जो भी ऐसे ट्रक्स हैं जो कि रोड पे खड़े हैं और जिनसे कि यातायात बाधित हो रहा है, उनका चालान भी कराया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो वो ट्रक वाले को पूछताछ में निकला कि उसका एक्सल ख़राब हो गया था, एक्सल टूट गया है और इमूवेबल टाइप हो गया था। कोशिश की जा रही है और ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जो वर्चुअली डार्क एरियाज हैं, ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना घटित ना हो।
जिले के अहरौला थाना क्षेत्र में 3 दिन पूर्व समदी गांव में सुखी नहर में मिली अज्ञात युवक की लाश की शिनाख्त परिजनों ने व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हुई फोटो से किया। 2 जनवरी को पुलिस ने नहर से अज्ञात के रूप में लाश को बरामद किया था और काफी कोशिशों के बाद भी शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। शव के पास से शराब व कीटनाशक दवा का बोतल मिला तो पुलिस ने आत्महत्या की बात मानकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। तभी से शव पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया था। वायरल फोटो को लेकर जब परिजन थाना पहुंचे तब मामले का खुलासा हुआ। परिजनों के अनुसार नववर्ष की पार्टी को लेकर दोस्तों ने दावत का इंतजाम किया था। इसी में शामिल होने को पहले तो युवक को उसके दोस्त ने बुलाया, फिर हत्या कर दूर एक नहर में लाश फेंक कर फरार हो गया। साजिश के तहत शराब व दवा की बोतल रख दी गई। 1 जनवरी की शाम को कप्तानगंज थाना क्षेत्र के भरौली टोडर निवासी 22 वर्षीय राहुल गोण अपने परिजनों से यह कहकर निकला कि उसका मित्र सिकंदर निवासी दाऊदपुर अहरौला नए वर्ष की दावत पर बुलाया है, वहीं जाने की बात कहकर निकला। उसके बाद राहुल घर वापस नहीं आया। सिकंदर को अपराधी प्रवृत्ति का बताते हुए परिजनों ने आरोप लगाया कि उसी ने साजिशन हत्या की है। तो क्या आपका क्या आरोप है, क्या कहना है? हमारा आरोप है सर, अगर लड़का ऐसा है तो सारी जिम्मेदारी उसकी, या वह बताए नहीं तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसी के यहाँ गया था हमारा लड़का। शिकार का नाउल है, उसको ये मालूम पड़ा कि दावत में सिकंदर बुलाया था, वो घर वहाँ से जब रिटर्न हो रहा था तो रास्ते में कुछ लड़के उसे ले जाकर सिवान में मारे हैं, और मारने वाले में सिकंदर जिसका नाम बताया जा रहा है, और उस पर हमारे आज सुबह घंटी जा रही थी और घंटी इस टाइम नहीं जा रही है। जो आरोपी है उसका मोबाइल ट्रेस किया जाए, दोनों नंबर कहाँ पे है। अच्छा, घर से कितनी दूर उसकी बॉडी मिली है? अभी इसकी जानकारी हमें नहीं, मतलब 4-5 किलोमीटर दूर पर मिली है, 5 किलोमीटर दूर पर मिली है इतनी जानकारी है। और वो कोई नशा नहीं करता था, न गुटखा न बीड़ी न सिगरेट न दारू, उसके यहाँ दारू रखा गया था, मतलब उसे फंसाया जाए कि ये दारू पीता था, ये नशा करता था, ये कुछ नशा नहीं करता था। ये सब आरोप बेबुनियाद है। पुलिस जो कह रही है वहाँ पेड़ तो था नहीं कि फांसी लगाएगा, आत्महत्या करेगा, और वो गिरेगा तो नाले में थोड़ी गिरेगा, बहाव में थोड़ी गिरेगा, उसे मारा गया है और सिकंदर का हाथ है उसमें, उसे पकड़ा जाए, वो खुद बताएगा कौन कौन साथ में था, और अकेल उसे मारने वाला कोई है ही नहीं, अब बुलाने वाला भी वही था, जो वो पकड़ा जाएगा तो खुद बताएगा कि हाँ हमें इसने मारा है। एसपी सिटी कमलेश बहादुर के अनुसार मामले में आरोपी दोष की तलाश की जा रही है और तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अहरौला थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली थी जिसकी पहचान हुई थी, बाद में परिजनों ने ये आरोप किया है कि उसके दोस्त सिकंदर ने उसको घर से बुला के 1 तारीख को शाम को ले गया था और सुबह डेड बॉडी उसकी बरामद हुई है। आशंका है उनको कि कहीं ना कहीं इसके द्वारा ही इसकी हत्या की गई है, इसमें हत्या में शामिल रहा है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं ये, और उनके द्वारा इस तरह की तहरीर दी जाएगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसके भी तलाश की जा रही सिकंदर यादव की, कि ताकि उसकी तलाश करके पूछताछ की जा सके कि उसकी क्या भूमिका है इस घटना में। शनिवार को जनपद के समस्त थानों में शासन की मंशा के अनुरूप समाधान दिवस आयोजित किए गए। थाना कोतवाली में आयोजित हुए समाधान दिवस में मंडलायुक्त जगतराज DIG विजय भूषण की उपस्थिति में दिवस आयोजित हुआ। यहां फरियादियों की समस्याओं को सुनते हुए मंडलायुक्त जगतराज ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि थानों में आ रही व संपूर्ण समाधान दिवस पर मिल रही शिकायतों का निस्तारण सामंजस्य बनाकर किया जाए। संपूर्ण समाधान दिवस में आ रही शिकायतें समाधान दिवस में स्थानांतरित कर भूमि विवाद के मामले राजस्व व पुलिस विभाग की टीमें संयुक्त रूप से समाधानित करें। समाधान दिवस में मैं था, DIG साहब मेरे साथ थे और कोतवाली में हम रहे हैं, और वहां पे जो शिकायतें आई हैं उनके निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया है, और साथ ही मेरे द्वारा ये कहा गया है कि जो भी शिकायतें जो हैं तहसील दिवस में आ रही तहसील समाधान दिवस में, वो ऑटोमेटिकली थाना समाधान दिवस में ट्रांसफ़र की जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो मामले जो हैं जो भूमि विवाद के हैं वो तभी उनका हल हो सकता है जब राजस्व और पुलिस विभाग की टीम संयुक्त रूप से जाएगी, तो इसके लिए संबंधित को निर्देशित किया गया है।